अस्सलाम वालेकुम, HNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ अब्दुल सत्तार और मैं हूँ सोबिया अवान। चलते हैं ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मावन खसूसी ब्राय सियासी रवाबिर शहबाज गुल का कहना है कि मुल्क से भागने वाले इज्जत की बात ना करें, ना अहल लीग पर इज्जत और साफ जैसे अल्फाज बिल्कुल नहीं जचते। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने PIA मुलाजमीन की रजाकाराना अलहदगी स्कीम के लिए 9 अरब 84 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। सेनेट इंतखाबात की तैयारियां 3 मराहल में होंगी। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है। सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल फरवरी के दूसरे हफ्ते में जारी होने का इम्कान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को धोखा करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर अली जैदी में ठन गई। मुराद अली शाह की जानिब से वज़ीर आज़म को लिखे गए खत पर अली जैदी ने भी जवाबी खत लिख डाला। PB चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ पर नून लीग ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। अहसन इकबाल ने कहा है कि अगर बिलावल के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर हैं तो पेश करें। कराची ट्रैफिक पुलिस ने मैचिस के दौरान ट्रैफिक की रवानी को बेहतर और यकीनी बनाने के लिए मुतबादल प्लान मुरतब किया और शहरियों से अपील की कि वो तकलीफ से बचने के लिए मुतबादल रूट का इस्तेमाल करें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज का कहना है कि इस्लामाबाद में प्रोपेगेंडे और झूठ का कारखाना लगा हुआ है। 1 अरब डॉलर मुंतकिल करने के दावे में कोई सदाकत नहीं। जमीयतुल उलमा इस्लाम पाकिस्तान के साबिक रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने कहा है कि फजलुर रहमान ग्रुप की रजिस्ट्रेशन मनसूख हो चुकी है। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले शहरी और एडवोकेट वक्कास अनवर गुजर ने लाहौर हाईकोर्ट में वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन बीगो, टिकटॉक, लाइकी समेत सोशल मीडिया की दीगर ऐप पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया।